बस 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 स्वागत है। तो कैसे पता चलेगा आप लोगों ने अभी मैं गरीब परिवार की दो लड़के बस स्टार सुंदर न्यूज़ से पता चल रहा है हमें। तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं मदद के लिए, क्या कुछ मदद की आपने? हमने जो मतलब थोड़ी बहुत जितनी भी हमारी तरफ से मदद हो सकती है हमने की है। 1100 श्रृंगार का सामान परस हो गया और बर्तन हो गए, चुटकी होगी 2100 रुपये की मदद आई है। तो सही महीने में देखा जाए तो महिला होगी, आप जो सोसाइटी चलाती है तो महिला उसी महीने में बढ़िया मदद। सही महीने में तो नहीं कह सकते, मतलब 2 दिन हो गए जिस दिन हमारे युवाओं के मतलब इनके विचार बदलेंगे, मदद करने की जरूरत ही ना पड़े, महिलाओं के प्रति आदर सम्मान बढ़ेगा उनकी नज़र में। स्वागत है मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर सब लड़के अगर ये सोच ले कि हमें कुछ नहीं चाहिए लड़की से, सिर्फ हमें एक जोड़ी में लड़की चाहिए, तो हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की मदद करने की। सिर्फ युवा पीढ़ी को जरूरत है ये जानने की कि हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, बाप ने लड़की दे दी सब कुछ दे दिया, और अगर ये सब लड़के सोच लेंगे तो लड़की बोझ नहीं लगेगी अपने बाप को। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव है कब 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 तक आ पाएगा? ये हम लोगों से बदलाव नहीं आएगा, लड़कों की सोच से आएगा। अभी जैसे लड़के कह रहे थे हमने ये इकट्ठा किया वो इकट्ठा किया, अपनी सोच को इकट्ठा करके उस साइड में रख दो और लड़की को ले लो, तो बाप को बोझ नहीं लगेगी, पूर्ण हत्या खत्म हो जाएगी, बाप का डर खत्म हो जाएगा, लड़की अपनी बोझ मानती है, वो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत वहाँ लेडीज खड़ी मैडम कर अंदर गया ना क्या बोला मैं फोन कर ₹3100
ये दो जोड़ी टूटी है एक बार वो जी वाला भाई कुछ स्कोर करो गोपाल भाई एक रसीद देना गोपाल है कुलदीप हेलो हाँ मैंने कई फिर हाँ पूछना आए हाँ आप लेट हो गया ई भाई है मेरे द्वारा ये रास्ता है चलो करवाऊंगा मैं देखो एक बार वीडियो बना लूँ ठीक सर स्वागत है रोहित जी आपका तकड़ा है धन्यवाद तो आज इसमें जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हमें मदद की जरूरत पड़े आखिर ऐसा क्या करें कि मदद की जरूरत ही ना पड़े मदद की जरूरत ना पड़े इसके लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे के काम आना सीखना पड़ेगा और जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं जो गलत धारणाएँ बना रखी हैं हमने वो हमको मिटानी होगी जैसे कि सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की है कि दहेज उसको हमें जड़ से मिटाना पड़ेगा जब तक हम लड़की और लड़की के साथ पीछे दहेज को देखते रहेंगे तब तक ये दहेज प्रथा खत्म नहीं होगी तो हमें सबसे पहले समाज के पुरुषों को इस चीज़ के लिए आगे आना होगा कि दहेज खत्म किया जाए तो कितना समय लगेगा कि ये दहेज प्रथा का इसका देखो समय का तो कुछ नहीं कह सकते लेकिन जितना समय मानसिकता को बदलने में लगेगा उतना ही समय इसको निकलने में लगेगा हमारे ठंडा आज जो युवा है काफ़ी मदद के लिए तैयार रहता है अभी देखो कितने दूर से आरएस कराजी भी पहुँचे हैं आप लोग भी पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे ये कहना चाहेंगे कि जितना हो सके हम तो यही रहते हैं कि महिलाओं की बच्चों की जो भी प्रताड़ित हैं समाज में उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से जितनी भी हमसे हो सकती है और ऐसे लोगों को ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और हमें आपस में भी मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहिए दूसरे की मदद करने की बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मौजूद है गुड़िया पूनम जिनकी शादी है हमारे भाई नहीं है देखो आज इन्होंने सबने हमें इतनी खुशी दी है मेरे लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए हमारे भाई के लिए जितने भी यहाँ पे हैं उनका शुक्रिया थैंक यू धन्यवाद आज आप खुशी होती है हम एक गरीब परिवार की आप मदद करने के लिए